हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग मेरी वीडियोस के साथ अपना चैप्टर साइड बाय साइड पूरा कर रहे होंगे एंड आपने प्रीवियस वीडियो पढ़ी होगी। सो इंथैल्पी आपको समझ में आई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से फिर आगे रिलेटेड है। तो वो चीज़ आपको समझ में आई है तब हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं बेटा। तो उस वीडियो को पहले पढ़िएगा, उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो है द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूपी एंड क्यूवी। क्यूपी क्यूवी क्या है वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो क्यूपी और क्यूवी के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके बेटा, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा इंथैल्पी था वो क्या निकला था, सम ऑफ यू प्लस पीवी, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा था आपका कि जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है आपका इंथैल्पी का वो आपका कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आपका चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो जो चेंज इन इंथैल्पी आएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था आपका कि जो चेंज इन इंथैल्पी है वो किसके इक्वल है, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी वो किसके इक्वल है, क्यूबी के इक्वल है, इसीलिए ये चीज आएगी, ठीक है। वहीं पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, वो इक्वल है क्यूवी के, यानी चेंज इन हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सो बेसिकली हमने इसके और इसके बीच में क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो एक रिलेशन तो यहीं से निकल जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा एच की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, क्यूपी, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस पी डेल्टा वी, इतना है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मेन रिलेशन हमने इनके बीच में निकालना है वो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा अगर हम किसकी बात करें, इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ओपन करें तो ये क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, ये आ जाएगा। अब जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू हमारा क्या है आपका, आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू है पी वी इक्वल टू एनआरटी, जहां पे पी आपका क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम, एन क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट और टी हमारा क्या है टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है ही, और टेम्परेचर तो हम क्या रखते हैं आपका कांस्टेंट रखते हैं, यानी पी वी टू में सिर्फ क्या चेंज होगा, मेरा नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको मैं क्या मान लेती हूँ एन टू, और पी वी वन में मेरे क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स, उसको क्या मान लेती हूँ मैं एन वन। तो इसमें अगर ये वैल्यू पुट करती हूँ तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। अब दोनों में से मैं आर टी को क्या ले सकती हूँ बेटा, कॉमन, कॉमन लूंगी तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस एन टू माइनस एन वन इंटू आर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन इंटू आर टी, और डेल्टा एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूबी, डेल्टा यू की जगह क्या आ जाएगा क्यू बी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब यहाँ पे एन जी क्यों लिखा है बेटा, एन जी लिखा है बिकॉज अगर यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का ना, तो ये क्या है, ये जो यहाँ पे आपका एन टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है, तो एन टू एन वन इसीलिए होगा ना, तभी तो आइडियल गैस इक्वेशन है ना, यानी हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, हमारा गैसियस फॉर्म है, उसके लिए ये इक्वेशन है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज डेल्टा एन जी आर टी। तो रिलेशनशिप क्या हो गया, क्यूपी इज इक्वल टू क्यूवी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एक रिलेशन हमारा ये हो सकता है, लेकिन मेन रिलेशन हमारा ये है दैट QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG RT, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपका सब कुछ दिया होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये अप्लाई नहीं होगा, उसका जो रीजन है वो क्या है, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें QP और QP की वैल्यू इक्वल आएगी, तो उसका रीजन क्या है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन reasons ऐसे पढ़ेंगे जिनमें QP is equals to क्या आएगा QV, या फिर डेल्टा H किसके इक्वल आएगा डेल्टा U। ठीक है, जो फर्स्ट केस होगा, ठीक है, फर्स्ट केस आपका क्या होगा, जब हम कोई भी प्रोसेस, ठीक है, कोई भी प्रोसेस इसमें कर रहे हैं इन अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है, हम कोई भी प्रोसेस है वो अगर क्लोज्ड वेसल में कर रहे हैं, तो क्लोज्ड वेसल में करने से देखो ये दोनों रिएक्शंस की बात करूंगी मैं, इसकी भी, ठीक है, और इसकी भी, ठीक है, इन दोनों की बात करूंगी मैं, क्लियर। अब देखो क्लोज्ड वेसल में क्या होगा, जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी डेल्टा भी क्या आएगा जीरो, और डेल्टा भी अगर जीरो होगा तो डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा डेल्टा यू के, और क्यू भी किसके इक्वल आएगा क्यू भी के। यानी जब कोई रिएक्शन हमारी किसमें हो रही है, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, उस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट में लिखा था रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, और उसका क्यू भी इतना है और क्यू भी फाइंड आउट कीजिए, तो क्यू भी क्या होगा उतना ही होगा, चाहे उस क्वेश्चन में कितना ही कुछ क्यों ना दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो किसमें हो रहा है क्लोज्ड वेसल में हो रहा है, जहां पे वॉल्यूम क्या होगा आपका चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा वी क्या आएगा जीरो आएगा, डेल्टा वी जीरो आएगा, तो जो क्यू पी है वही वैल्यू किसकी होगी क्यू वी की भी होगी, ठीक है, इतना क्लियर। सेकेंड, जो सेकेंड केस यहाँ पे बनता है जहां पे क्यूपी क्यूवी के इक्वल होता है, डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल होता है, वो केस होता है जब हमारा जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है या तो आपका क्या है सॉल्यूशन है, लेकिन गैस नहीं है, ठीक है, जो हमारा रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारे हैं, जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, वो या तो सॉलिड स्टेट में है, वो या तो लिक्विड स्टेट में है या फिर सॉल्यूशन स्टेट में है, गैसेस स्टेट में नहीं है, तो उसमें भी जो डेल्टा वी होता है, जो चेंज इन वॉल्यूम आता है, वो इतना कम आता है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी इसके केस में डेल्टा वी इज नेग्लिजिबल, ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत ही क्या होता है कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, तो ना के बराबर होने की वजह से उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो बहुत ही कम आता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं निग्लेक्ट, और अगर डेल्टा वी को हम निग्लेक्ट कर देंगे तो क्यू पी किसके इक्वल हो जाएगा क्यू वी के, और डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू, ठीक है, यानी कि आपका क्लोज्ड वेसल नहीं है, ओपन वेसल है, लेकिन जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं और जो बन रहे हैं वो किस फॉर्म में बन रहे हैं, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट की फॉर्म में बन रहे हैं, तो वहां पे आपका क्यू पी किसके इक्वल हो जाएगा क्यू यू के इक्वल हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपका आ जाएगा आपका, अब मान लो आपका जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो गैशियस स्टेट में है, तो उसमें भी एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे QP is equals to QV आता है, कब, when the moles of the reactant is equals to the moles of the product, let us take one example, H2 plus I2 it gives 2HI, so यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट है हमारा HI जिसके कितने मोल्स बन रहे हैं 2, और रिएक्टेंट हमारा क्या है H2 और I2 जिसके टोटल मोल्स कितने हो गए 2, यानी अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एन निकालूंगी तो डेल्टा एन क्या आएगा N2 मतलब 2 - 2 यानी कि 0, और डेल्टा एन अगर 0 आएगा बेटा, डेल्टा एन 0 आ गया तो क्यू भी किसके इक्वल हो जाएगा क्यू यू, वहां पे गैशियस रिएक्टेंट है गैशियस प्रोडक्ट भी है, लेकिन उसके बाद भी क्यू पी क्यू वी के इक्वल आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो आपका डेल्टा एन जी है वो हमारा क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो ये तीन केस ऐसे हैं जिनमें QP और QV एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे, ऐसा नहीं है बेटा हर किसी में ये चीज होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो बहुत लंबे लंबे दिखते हैं, लेकिन उसमें अगर इन तीनों में से कोई एक चीज अप्लाई हो रही है तो उसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, वो हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो ये समझाया है मैंने, आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो कि कैसे हम क्यूपी और क्यूवी का रिलेशन निकालेंगे और किन केसेस में हम कहेंगे कि क्यूपी किसके इक्वल होता है क्यूवी के, या फिर डेल्टा एच किसके इक्वल होता है डेल्टा यू के। क्लियर बेटा, क्लियर हुआ,
सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.